नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्री यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो चुका है इंतजार करते करते, इंतजार की हद हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एसएससी जीडी की नई भर्ती कब तक आएगी, इसकी अभी कोई जानकारी आप सभी को नहीं मिल पाई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए हम एकदम सटीक जानकारी लेकर आ चुके हैं। क्या आपकी एसएससी जीडी की नई भर्ती आएगी भी या फिर नहीं आएगी, अब तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के द्वारा ये भी पूछा जाने लगा है कि अब भर्ती आएगी भी या फिर नहीं आएगी, हम तैयारी करें या ना करें। तो दोस्तों, पूरी जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं, आखिर भर्ती जो है आपकी कब तक आने वाली है, आवेदन जो है आपके कब से शुरू होने वाले हैं और आपके यहाँ पर पद कितने रखे जाएंगे। तो पूरी जानकारी पाने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। इससे पहले वीडियो में स्टार्ट करें, आप सभी के द्वारा हम बताना चाहेंगे कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि सभी तक पूरी जानकारी पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो कि आप सभी के द्वारा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भर्ती आएगी भी या फिर नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो है इसके पीछे कंफ्यूज हैं और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर तैयारी हम करें या ना करें, भर्ती आएगी भी या फिर नहीं आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को हम यही जवाब देना चाहेंगे कि भर्ती जो है आएगी या फिर नहीं आएगी, और आएगी तो कब तक आएगी। तो देखिए, भर्ती जो है आपके यहाँ पर 110% आएगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी 100% यहाँ पर आपकी भर्ती है वो आने वाली है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो यही आ जाता है कि आखिर आएगी कब तक, क्योंकि यहाँ पर लगभग एक साल हो चुका है यहाँ पर बताया जा रहा है कि भर्ती जो है आएगी आएगी, लेकिन अभी तक यहाँ पर दोस्तों 2020 का जो मार्च है ये भी खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट यहाँ पर आपके मिड मार्च आ चुका है। तो आखिर कब तक आएगी भर्ती, तो देखिए हम इसके बारे में कुछ आपको यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे, बड़े ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जान लीजिए कि आपकी जो 2018 वाली भर्ती है वो अभी तक दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई है। आप सभी को जैसा कि मालूम है, इनका यहाँ पर जैसे ही ट्रेनिंग इनकी यहाँ पर शुरू होती है वैसे ही आप लोग यहाँ पर नई भर्ती की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। अब बात आती है कि इनकी यहाँ पर ट्रेनिंग जो है कब तक शुरू होगी, कब तक ये लोग ट्रेनिंग पर जाएंगे, जितने भी 2018 वाले यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं। तो देखिए, यहाँ पर इनकी जो है ट्रेनिंग आपके यहाँ पर जुलाई या फिर अगस्त में जो है ये लोग ट्रेनिंग पर जाने लगेंगे, ठीक है। इनको यहाँ पर ट्रेनिंग पर भेजने यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर इनकी जो है जुलाई में आपकी जो है ट्रेनिंग जैसे शुरू होती है आपके यहाँ पर नई भर्ती की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आपसे यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आपका यहाँ पर भर्ती जो है पिछले 2018 वाली भर्ती में अगर किसी वजह से रीजन में नहीं हुआ था, सिलेक्शन आपका नहीं हुआ था, वो रीजन हमें जरूर बताइएगा। और इसके बाद में जो दूसरा सवाल दोस्तों आता है, आप सभी द्वारा यहाँ पर पूछा भी जा रहा है कि सर एसएससी का यहाँ पर जो कैलेंडर है उसमें किसी प्रकार की एसएससी जीडी की नई भर्ती की यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको यहाँ पर एक चीज तो सबसे पहले क्लियर कर देना चाहते हैं कि आप सभी को जैसा कि मालूम है एसएससी जीडी का जो कैलेंडर है वो साल में 2 बार चेंज होता है, ठीक है। अगर नहीं मालूम है तो आप लोग यहाँ पर हम आपको यहाँ पर नई जानकारी दे रहे हैं। देखिए, हर साल में यहाँ पर 2 बार जो है एसएससी का यहाँ पर कैलेंडर चेंज होता है। तो ये 2019 में आपका यहाँ पर कैलेंडर जो है यहाँ चेंज हुआ था, लगभग मिड में यहाँ पर जुलाई में कैलेंडर जो है चेंज किया गया था। अब दोस्तों, यहाँ पर 2021 तक का यहाँ पर जो पूरी डेट यहाँ पर बता दी गई है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये एक संभावित कैलेंडर होता है। ये आप इसके तरह से एक मान के चल सकते हो कि यहाँ पर एक आइडिया लेके चला जाता है कि हाँ भैया हमें ये भर्तियाँ करानी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसमें बाद में चेंजेस भी किए जा सकते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर नई भर्ती प्रक्रिया का यहाँ पर जो दबाव है ऊपर से जैसे ही आता है, ऊपर से कहने का मतलब यहाँ पर गृह मंत्रालय के जैसे ही यहाँ पर जो दबाव आता है वैसे यहाँ पर नई भर्ती जो है शुरू हो जाएगी, क्योंकि पद जो है वो बहुत ज़्यादा खाली हैं। 84,000 के लमसम यहाँ पर जो आपका पद जो है यहाँ पर खाली पड़े हैं। तो इनकी भर्ती प्रक्रिया आपके यहाँ पर तुरंत ही शुरू हो जाएगी जैसे ही यहाँ पर नई पुरानी भर्ती वाले जो कैंडिडेट हैं उनको ट्रेनिंग पर भेजना शुरू होता है। तो जुलाई के महीने में या फिर आपके यहाँ पर मान के चल सकते हो कि अगस्त से पहले पहले तो आपकी भर्ती जो है वो आने वाली नहीं है। तो अपनी तैयारी में जरूर लगे रहिएगा, जुलाई या फिर अगस्त इनके ही बीच में आपकी जो है नई भर्ती आ जाएगी, ठीक है। तो 100% आएगी, डिमोटिवेट बिल्कुल मत हुई, अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो ये थी पूरी जानकारी, अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को जो है शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि सभी तक पूरी जानकारी पहुंच जाए। धन्यवाद।